नमस्कार, अब खबर कामा से। कामा में वार्ड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग खुद मरणासन स्थिति में पहुंच गया है, जिसे जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि यहां पर कार्यरत अधिकारी डॉक्टर व अन्य कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का इलाज करना जरूरी हो गया है। यहां कार्यरत समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का एक गुंडगोल बन गया है, जो जनता के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। सभी अपने अपने भ्रष्ट कृतियों और मनमानी से मरीजों को लूटने में लगे हुए हैं। सरकारी फंड में भी भारी भ्रष्टाचारी कर अवैध कमाई से अपने जेबों को भरने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के हालात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पीएचसी सायंकालीन को खुलती ही नहीं है और सुबह के समय नियमित रूप से नहीं खुलती, और खुलती भी है तो डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा स्टाफ ही मौजूद नहीं रहता, आधे से अधिक स्टाफ अनुपस्थिति रहता है। इसी क्रम में एटीवी न्यूज लाइव को निरंतर मिल रही शिकायतों पर क्षेत्र में विलोद पीएचसी पर जाकर देखा गया तो वहां पर एक भारी अनियमितताएं, मनमानी व भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया। पता चला कि ड्यूटी से प्रभारी डॉक्टर नदारद हैं, साथ ही वहां पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी में जो कई स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले। इसके साथ ही वहां पर मौजूद कई मरीजों ने बताया कि जिस दिन से यहां गाँव में अस्पताल खुला है उस दिन से शाम को तो अस्पताल कभी भी नहीं खोला है। डॉक्टर व अन्य कर्मचारी नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं आते हैं। इस पर भी जब मरीज दिखाने आते हैं तो वह एक बात कहकर के हर एक दवाई के पैसे लिए जाते हैं, यहां तक कि मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार में गाली गलौज करते हैं और मरीजों को बिना उपचार और दवाई दिए बिना ही भगा देते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यहां पर लगे हुए गरीब लोगों के जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वह इनके मांगे हुए पैसे कहाँ से ला कर दें। यहाँ तक कि इनका इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये अपना इलाज पर स्वयं घर पर कर रहे हैं। फर्जी तरीके से की जा रही है डिलीवरी, जन्म पत्री के लेते हैं यहाँ पर 500 से 1500 रुपए, इसी के साथ ही ग्लूकोज की बोतल लगाने के लिए मरीजों से लेते हैं पैसे एवं डिलीवरी में ही फर्जी तरीके से की जा रही है डिलीवरी, जिनका भीड़ कौन नहीं होता है। यहाँ पर डॉक्टरों का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि आम नागरिक अपना ठीक प्रकार से इलाज भी नहीं कर पा रहा है। न जाने क्या कारण है कि यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों का शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। कामा से एटीवी न्यूज चैनल के लिए हरिओम कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।